हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं, एक्चुअली मैंने एक आप लोग को बताया था कि बहुत टाइम से बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड और फर्स्ट के एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह सॉल्व आप मेरे को बताओ विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम बच रह नहीं गया है। सो मैं उस वीडियो के लिए उस चीज़ को लेकर मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ एज अ टारगेट बैच टाइप्स। सो इस वीडियो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगी वो प्लीज़ स्किप ना करें। और आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम असेंबली लैंग्वेज है, सेकेंड सेमेस्टर का MCS-012। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एंड हम उस वीडियो के लिए बोल रहे थे उसको कंटिन्यू देखें, और आप लोग के डिमांड पे ये वीडियोस आई हैं और कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी वीडियोस में मिलेंगी या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और कोई सा भी क्वेरीज हो, कोई से भी कोर्सेज के क्वेरीज हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर दें या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चंस डाल दें, मैं उसके सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी। एंड आपको आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जनवरी में 20 से, तो उसको कंटिन्यू करिए क्योंकि अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं रह गया। तो जो मैं यहाँ करवा रही हूँ उसको कंटिन्यू करिए, आई एम श्योर कि आप 60% से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, ठीक है, गेन कर पाओगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, और कमेंट। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ सेशन 1 है, सेक्शन 1 असेंबली पार्ट्स का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बस थ्योरी पार्ट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवा देखे हैं। मैंने आई कार्ड में दे दूंगी उसके लिंक्स एंड वीडियोस के। एंड मैं सोच रही हूँ कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस पीडीएफ्स मैं वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉपर अपने नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा लो या लिख लो और याद कर लो अपने, बस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, एक्सप्लेन रजिस्टर्स ऑफ CPU, दोज आर यूज्ड इन असेंबली प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामेबल यूजेबल रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें लिखना होता है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता है। व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू माइक्रो ऑपरेशन, दैट मीन्स ऑल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड टू डायरेक्टली रजिस्टर। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि माइक्रो ऑपरेशन मतलब कि एग्जीक्यूट होता है रजिस्टर, डायरेक्टली रजिस्टर से एग्जीक्यूट होता है। इट्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक लैंग्वेज को कोडिंग करके रन करने के लिए, स्पेसिफिक आर्टिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, के लिए। तो CPU क्या होता है, CPU रजिस्टर के ये 3-4 पार्ट्स होते हैं, आप इसको याद कर लो। जनरली पार्ट्स में जो होते हैं, जो भी मेन है उसको याद कर लो, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स डाल दोगे बस, हो जाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ 2-पास असेंबलर। 2-पास असेंबलर पूछता है कि 2-पार्ट असेंबलर क्या होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि असेंबलर टाइपिकल मेक 2 मोर एंड मोर पासेस टू द सोर्सेज प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रिसॉल्व फॉरवर्डेड डिफरेंस इन अ प्रोग्राम। कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़े थोड़े पार्ट से लिख देते हो आप लोग ना, तो मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के आने हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोग्राम है, मैंने कुछ प्रोग्राम देखा था तो मैंने सोचा ये लिख लूँ, क्योंकि बहुत सारे हर साल एक प्रोग्राम तो ज़रूरी पूछता है। तो मैंने कुछ प्रोग्रामिंग डाला हुआ है कोड, इसको वैसे तो समझा नहीं जा सकता है, मैं अभी समझा भी नहीं पाऊँगी, बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो सब आप इसको रट लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड देन ये सब प्रोग्रामिंग है, ठीक है। 2 नंबर्स एग्जीक्यूट, इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना, 2 बीट के नंबर को एक्सचेंज करना, एवरेज फाइंड करना, ठीक है। जैसे C++ में हम लोग सीख रहे हैं ना, वैसे ही है ये सब भी। और ये पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर और सेकेंड, यू नो, ऐसे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन स्मॉलर, तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। और ये सब के PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये सारे MCS-12 के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाली हूँ, तो बहुत सारे PDF होंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना। एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो तो मैं PDF से तो दे दूँगी, बट आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो वीडियो का भी लिंक मैं दे दूँगी, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफिनीशन बहुत ही कम ही रहते हैं, यू मीन 50% का डिफरेंस होता है दोनों में, 50-50 होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ करना ज़रूरी है, बाइनरी आपको निकालना आना चाहिए, वो तो आप लोग 11 में BCS 11 में पढ़े होंगे, है ना, तो वो चीज़ है, तो आप लोग कर सकते हो। और कुछ हार्ड है तो वो मैंने समझा रखा है कि ये मैं पे कर रहा है वगैरह। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जब खुद के क्लासेस ले रही थी तो मैंने सबको अटेंड करने के लिए भी कहा था, और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ने अटेंड करा और क्लासेस को कंटिन्यू करवाया था, बट मैंने कुछ दिन के बाद उससे स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला सॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के आराम से ये जो प्रोग्रामिंग है उसको देखो, याद करो, लॉजिकली समझने की कोशिश करना, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन है कि कॉम और एक्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग करना है ना, 2-2 लाइन का सारे डिफिनीशन, इट इज़ बाइनरी इमेज, इट इज़ लोकेटेड मेमोरी एंड लोएस्ट अवेलेबल सेगमेंट एड्रेस, है ना, तो ये 2-2 लाइन के होंगे। अब ये 2-2 लाइन ही लिखते हो ना तो मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं, कट ऑफ नहीं होते मार्क्स। ठीक है, तो आपको नहीं भी आए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेने हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर का है, मैं फर्स्ट की भी आज ही वीडियो लाऊँगी और थर्ड के भी, तो वो सारे देखना। एंड एक्सप्लेन एग्जीक्यूट कॉल एंड रिटर्न फंक्शन, ठीक है, तो सेम एज क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लो। ठीक है, कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं मेरे डाले हुए, वो आप देख सकते हैं थ्योरी पार्ट्स के। ठीक है, एक्सप्लेन डिवाइस कंट्रोलर एंड डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो क्या इसमें थोड़े थोड़े ही लिखने होते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे PDF मैं नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जरूर डाउनलोड करके अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, व्हाट इज इंटरप्रेट, ये चीज़ तो हर बारी पूछता है। फ्लो चार्ट, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट। और फर्स्टली आप ना नॉन जो भी न्यूमन आर्किटेक्चर था वो चीज़ याद कर लेना, क्योंकि उससे हर से क्वेश्चन पूछता है, इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन से। ठीक है, क्या पर्पस होता है वेक्टर टेबल, इंटरप्ट का वेक्टर टेबल का, तो ये चीज़ आप यहाँ बना देते हो तो ये टेबल तो अच्छा रहता है। ठीक है, DMA एंड इनपुट आउटपुट में डिफरेंस बताना है ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आप लोग को थोड़ा सा माइंड नहीं करना है। एक वीक में आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो एज अ एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो जितने भी मैं इस वीडियो में लिंक या PDF दूंगी उसको डाउनलोड करो, देखो। ठीक है, वीडियोस आप अगर रात में देखते हो ना तो ज़्यादा समझ आता है। मैंने भी अपने स्टडी इसी तरीके से करा है, जो मेरे को समझ नहीं आता था वो मैं रात में देखती थी, उससे रिलेटेड वीडियोस। एंड रेड लेबल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछते हैं हर बारी। ठीक है, ये रेड लेबल वाला, ये सारे क्वेश्चंस मैंने समझा रखे हैं एक्चुअली वीडियोस में, तो मैं उसका प्लेलिस्ट ही आइकन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को भी स्किप बिना किए देखो, समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जो है बाकी के PDF मैं नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक्चुअली सॉल्व भी मैं यहाँ इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन 1-2-3 दिन पर मैं डालते रहूँगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आके हर दिन चेक करते रहना कि कौन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर हैं या नहीं है, और जितने भी अभी मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड और भी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ, या टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, अगर मेरे ध्यान से निकल भी जाता है तो एक बार हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, टैग करके। ओके, देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।